हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कालंद्री का केंद्रा व टुआ गांव में एक एक कुल तीन कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। उपखंड मजिस्ट्रेट ने तीनों गांव में लगाया कर्फ्यू, तीनों गांव की सीमा सीज कर लगाए बैरिकेडिंग। सिरोही उपखंड के कालंद्री पुलिस थाना हलका में सोमवार शाम तीन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा, वहीं प्रशासन हरकत में आया। कालंद्री कस्बे में एक जबकि काकेंद्रा व टुआ गांव में एक एक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में अचानक पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई। तीनों गांव में एक एक कुल तीन पॉजिटिव मिले। सिरोही उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार ने तीनों गांवों में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर मंगलवार को तीनों गांवों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लाउडस्पीकर से कर्फ्यू की पालना करने तथा लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई। साथ ही तीनों गांवों में प्रवेश के मार्ग सीज कर रास्ता बंद कर बैरिकेडिंग लगाए गए। साथ ही एंट्री पॉइंट पर पुलिस के साथ मेडिकल टीम तैनात रही। तीनों गांव में मेडिकल टीम सर्वे कर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जाँच कर रही है। थाना अधिकारी प्रभु राम लगातार तीनों गांवों का दौरा कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्नो व पुलिस उप अधीक्षक फाउललाल मीना ने भी तीनों गांव का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों को घरों में ही रहने की अपील की। कालंद्री काकेंद्रा व टुआ गांव में प्रवेश के मार्ग सीज कर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है। SDM हसमुख कुमार ने बताया कि लोगों को महामारी से बचने के लिए घरों में रहना चाहिए ताकि उपखंड क्षेत्र का आम जन स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। कालंद्री से जागरूक टीवी के लिए सुरेश जगनू की रिपोर्ट।